नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम, आपकी जानी पहचानी शख्सियत जनाब मलिक मुश्ताक साहब मेरे साथ हाजिर हैं। नारा तकबीर ला वाले, नारा तकबीर पाकिस्तान पाकिस्तान माशाल्लाह। ये हमारे पाकिस्तानी बाबा जी हैं, माशाल्लाह बुजुर्ग हैं, बड़े अरसे से हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम मलिक साहब, की हाल चाल है? वेरी फाइन, वो ठीक है, वो ठीक है। ओके मलिक साहब, आप इंग्लिश में बात करना चाहेंगे, उर्दू में या पंजाबी में? मिक्स करूंगा क्योंकि जो मेरा इले वाला ठीक है। ओके ठीक है, तो आज ईद का दिन है, खुशी का दिन है, तो मलिक साहब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जी सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करूँगा कि अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल, हजरत इब्राहिम सलाम और हजरत इस्माइल का इम्तहान लिया। That was actually for us, for the people, yes. for the इंसान। It's okay, okay, go ahead. वो इंसानों के लिए था कि अल्लाह पाक ने हर इंसान को गोश्त देना था, मुहैया करना था गरीबों को, और हम गरीब भी आज आके इधर खा रहे हैं। ये अल्लाह भला करे शाह जी का, डॉक्टर साहब का, सब का, और पकाने वाले का, और इंतजाम करने वाले का, और खाने वालों का। तो ये सारा इंतजाम अल्लाह पाक ने इंसानों के लिए किया है। वो तो हज़रत इब्राहिम सलाम और इस्माइल, वो तो गरीब लोग थे, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया, मतलब नथिंग अवेलेबल। तो कहने बोले ये तो इंसानों के लिए, अच्छा, लेकिन हम आज भी आज भी अल्लाह पाक के ऑर्डर को ओबे नहीं कहते, ऑलमोस्ट दिस वे कहते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें क्या क्या दिया है, अरेंज किया हुआ है, आदमी के दिमाग में नहीं है वो कुर्बानी, एक्चुअली कुर्बानी की डेथ, वो एक पीपल। अच्छा अच्छा, तो मलिक साहब मैं चाह रहा हूँ, ये असल में एक एक दो दो मिनट का मैसेज है कैमरे की तरफ देख के, तो मैं आप पाकिस्तानी को ईद मुबारक, ईद मुबारक जी सबको, मलिक साहब।